400 रन बनाकर भी हार गया न्यूजीलैंड, उलट फेर कर जीत गया पाकिस्तान। क्या एक बार फिर से सेमीफाइनल में होगा भारत पाकिस्तान का घमासान? बोर्ड पर 400 लगते ही तय थी पाकिस्तान की हार, फिर बीच मैच हुआ ऊपर वाले का चमत्कार, जीत सामने होते हुए भी हो गई न्यूजीलैंड की हार। पाकिस्तान ने जिसे बेइज्जत कर प्लेइंग 11 से हटाया, आज उसी ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा मैच जिताया। जी कमाल हो गया, बवाल हो गया, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड जैसी चैंपियन टीम का बुरा हाल हो गया। चमत्कार करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 400 रन बोर्ड पर खाकर भी मैच को जीत लिया। इस मैच में पाकिस्तान को न सिर्फ किस्मत का साथ मिला बल्कि ऊपर वाले का भी साथ मिला। बिना ऊपर वाले के साथ के पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत पाता, और ये ऊपर वाला था पानी वाला बादल। जी हाँ, बारिश ने इस मैच में पाकिस्तान को मैच जिताया है। ना बारिश आती ना पाकिस्तान स्कोर बोर्ड पर इतने तूफानी रन लगा पाता, ना डकवर्थ लुईस सिस्टम आता और ना पाकिस्तान इस मैच को जीत पाता। देखिए एक बात तो तय है कि न्यूजीलैंड ने जो 400 रन बोर्ड पर लगा दिए थे उसके जवाब में अगर पाकिस्तान पूरे 50 ओवर खेलता तो शायद लगातार हर ओवर में इतना नहीं बना पाता और 400 का टारगेट चेज नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, जैसे T20 फॉर्मेट में होता है, कम ओवर का मैच होता है, 20-20 ओवर में भी 200 बन जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आज पाकिस्तान ने लगभग 25 ओवर में 200 बना दिए थे और फिर ऊपर वाले का साथ पाकिस्तान को मिल गया। 402 रनों का टारगेट चेज करते हुए जब पाकिस्तान 25.3 ओवर तक पहुंचा तो स्कोर बोर्ड पर लग चुके थे 200 रन और विकेट गिरा था सिर्फ एक। बाबर आजम 66 पर खेल रहे थे तो फखर जमान, जिसे इस वर्ल्ड कप में बीच वर्ल्ड कप ही बाहर कर दिया गया था, उसे बेइज्जत करके प्लेइंग 11 से निकाल दिया गया था, कह दिया गया था कि तुम खेलने लायक नहीं हो। लेकिन उसके बाद उसकी किस्मत रंग लाई, इमामुल हक चोटिल हो गए, जिसके जगह पर फखर जमान को दोबारा मौका मिला और इस बार उन्होंने दोनों मौके को दोनों हाथों से लपक लिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक ठोक दिया, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन ठोक दिए और इसी वजह से पाकिस्तान इस मैच को जीत पाया। सिर्फ 19 गेंदों पर फखर जमान ने 98 रन ठोक दिए। ये 19 गेंदे थी बाउंड्री गेंदे, जिसमें 11 छक्के शामिल थे और 8 चौके शामिल थे। 11 छक्के के 66 को मिलाएं और 8 चौके को 32 को मिलाएं तो 19 गेंदों पर हो जाते हैं 98 रन। फखर जमान अगर ये तूफानी शतक नहीं लगाते तो पाकिस्तान स्कोर बोर्ड में पिछड़ जाता, उसका रन रेट इतना ज्यादा नहीं हो पाता और फिर अगर बारिश इस मैच को रोकती तो पाकिस्तान की बुरी हालत हो जाती और पाकिस्तान 20-50 रन से इस मैच को हार जाता। तो एक तो फखर जमान का हाहाकार, दूसरा ऊपर वाले का चमत्कार, इसी वजह से जीतते जीतते भी हो गई न्यूजीलैंड की हार और पाकिस्तान ने कर दिया चमत्कार। अब सवाल ये कि पाकिस्तान को जो दो अहम पॉइंट मिले हैं उससे क्या टीम इंडिया के साथ उसका सेमीफाइनल हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर पाकिस्तान चौथे नंबर तक किसी तरीके से पहुंच जाए तो टीम इंडिया और पाकिस्तान में सेमीफाइनल हो सकता है। बस उसके लिए पाकिस्तान को अपना अगला मैच जीतना पड़ेगा और ये दुआ करनी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड अपना अगला मैच जो कि श्रीलंका के साथ है वो हार जाए। इसके अलावा अफगानिस्तान को भी अगला मैच हारना पड़ेगा, यानी कि ये तीन समीकरण अगर फिट बैठ गए तो पाकिस्तान चौथे नंबर तक क्वालिफाई कर जाएगा और उसके बाद टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आज तो पाकिस्तान ने मजा ही दिला दिए। अगर आपको भी मजा आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो सकता है? जो भी आपकी राय हो कॉमेंट करके जरूर बताएं।